नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है और काफी सारे इन्वेस्टर्स IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं कि क्यों गिरा है भाई, प्लीज कवर दिस स्टॉक। ऑलरेडी मैंने सेकेंड वीडियो 11:30 पे पोस्ट कर दी है IEX को लेकर। देखो, जो भी बाजार में डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी न्यूज होती है, जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में होता है, हम उस पर सबसे पहले कवर करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं आप तक सही खबर सही समय पे पहुंचाने की, और वही मैंने आज भी किया है। तो अगर आप IEX को लेकर परेशान हो रहे हो तो प्लीज आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। अभी पहले बाजार का अपडेट दे दूं तो निफ्टी लगभग 13 पॉइंट लाल निशान में फिसल गया है, ऊपर से लगभग 60 पॉइंट्स नीचे आ गया है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट ऊपर से 200 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है, और ये सब हो रहा है दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से। अदरवाइज निफ्टी सेंसेक्स स्टिल स्ट्रांग ही बने हुए हैं, कोई इशू नहीं दिखता है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 0.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है, जिसने मार्केट ब्रेथ भी खराब कर दी है। 1160 शेयर्स पॉजिटिव है NSE पे, 1238 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं। आपकी पोर्टफोलियो भी हो सकता है या तो फ्लैट टू पॉजिटिव रह गई होगी या फिर नेगेटिव जोन में जा रही होगी। ज्यादा ऊपर या नीचे की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूं मार्केट की। एक्चुअली में मार्केट किसी भी लिहाज से कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पा रहा है, जिसमें इंडेक्स हर दिन हाई लगा रहा है। पोर्टफोलियो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रही है कि हम लाइव हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और नेगेटिव चीजें कंटिन्यू बेसिस पे डेवलप हो रही हैं। अगर मैं नेगेटिव चीजों की संख्या कवर करने बैठूं तो लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे, भाई आप नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चीज ही कवर करते हो। भाई पॉजिटिव है ही नहीं तो मैं कवर क्या करूं। एक चीज पॉजिटिव वो है मार्केट की, निफ्टी सेंसेक्स कंटिन्यू हाई लगा रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात तो है कि जिन्हें जो बोलना है वो बोल ही रहेगा बंदा। मैं बोलता हूं बाजार लाइव हाई पे तो लोग कहते हैं भाई बाजार का क्या करें, पोर्टफोलियो नीचे है। और मैं कहता हूं भाई मार्केट नीचे ऊपर है, पोर्टफोलियो नीचे है, कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो लोग कहते हैं भाई आप नेगेटिव हो। इसका मतलब ये है कि भाई लोग तो बोलेंगे, आप अपना काम करो। आगे करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मींस सबसे पहले तीन IPO, नॉर्दर्न आर्क, वेस्टर्न कैरियर्स, आर्केट डेवलपर्स। तीनों IPO में जैसा उम्मीद थी, आर्केट सबसे बेस्ट करना चाहिए, देन नॉर्दर्न एंड देन वेस्टर्न कैरियर्स। मेरी आर्केट से 60% प्रीमियम तक की उम्मीद थी, बट ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60 तो नहीं गया, बट 45-50% तक गेन्स दिखाए। 190 का इसने लाइफ हाई हिट किया है और अभी 170 ट्रेड कर रहा है, 33% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या करें क्या ना करें, देखो सबसे सिंपल तो होता है IPO में आप अपना कैपिटल निकालो, जो प्रॉफिट है वो छोड़ दो, ये सबसे बेस्ट हो गया। अगर आप उस स्टॉक को प्ले करना चाहते हो तो, आप उस स्टॉक को प्ले नहीं करना चाहते हो, पूरा प्रॉफिट बुक करो, बैंक में विड्रॉ मारो, सिंपल। आप चाहते हो भैया मैं तो लंबी अवधि का इन्वेस्टर हूं, अपना कैपिटल निकालो ताकि दूसरे किसी IPO में फिर लिस्टिंग गेल के लिए अप्लाई कर सको, जो प्रॉफिट है स्टॉक ठीक लगता है तो छोड़ दो, नहीं लगता तो वो प्रॉफिट बुक करके किसी और जगह वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कर दो लंबी अवधि के लिए, भूल जाओ उस पैसे को कि भैया ये तो प्रॉफिट का था, भूल गया मैं लगा के। लेकिन लगाना किसी क्वालिटी में, टुच्ची मुच्ची खराब में मत लगा देना कि अगर बनेगा तो ये छोटा पैसा बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। IPO में देखो बढ़िया बढ़िया पैसा बन जाता है, अगर पहली बात तो अलॉटमेंट आता नहीं है। पर्सनली मैं तो इसका दावेदार हूं कि भैया मेरा तो अलॉटमेंट ही नहीं आता, आपके साथ लाइव ब्लॉग चैनल पे शेयर कर रहा हूं कंटिन्यू। बीते 5-7 IPO से कंटिन्यू 3-3 डीमेट अकाउंट है मेरे घर में, तीनों को ही नहीं मिलता भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, आर्केट डेवलपर सिंपल, तीनों में ये ओपिनियन है, अगर आप थोड़ा भी मतलब आपको पैसे की जरूरत है या आपने केवल लिस्टिंग के लिए लगाया था तो आप अपना कैपिटल निकालो, प्रॉफिट को छोड़ दो, ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आप पूरा विड्रॉ करो, अपनी बैंक में विड्रॉ मार दो। तीसरी चीज, आप पूरा बेचो, अपना कैपिटल विड्रॉ करो, प्रॉफिट का किसी और स्टॉक में निवेश कर दो, ठीक है जी। अगर आप लंबी अवधि के लिए इन तीनों स्टॉक में निवेश किया था कि मैं ये 14-15 हज़ार रुपए इन्हीं को देना चाहता हूं, तो अब उठता है सवाल कि मेरे को SL के साथ बने रहना है या फिर इस स्टॉक को कैरी करना है, क्योंकि अभी आपका 15,000 आपका भी लगा हुआ है, 14,500 या 15,000 जो भी है, ठीक है, एक लॉट का पैसा आपका भी लगा हुआ है। अभी तो गेंस है लेकिन गेंस कौन गवाना चाहता है, तो क्या करें। तो आर्केट की सबसे पहले बात करूं, देखो 170 पे ट्रेड कर रहा है, SL देना ठीक नहीं है क्योंकि हिट हो जाएगा। आर्केट डेवलपर्स, आप या तो ये मान लो कि मैं 33% जो ये गेन्स है उस पूरे की रिस्क लूंगा और होल्ड करूंगा, अगर इशू के नीचे निकलेगा तो एग्जिट कर दूंगा, सोच लूंगा नो लॉस नो प्रॉफिट। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। इसकी लिस्टिंग थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी, यहाँ लिस्ट हुआ है वहीं कहीं होना चाहिए था, बट नीचे आ रहा है क्योंकि शायद मूड माहौल मार्केट का
इसे मैं हल्का सा नेगेटिव साइड पे जा रहा है इसलिए, अदरवाइज ये स्टॉक 185-190 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के मौके देना चाहिए। तो फ्रेश एंट्री तो देखो तीनों स्टॉक्स में से मैं किसी में भी नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत मार्केट में शेयर्स पड़े हैं, मैं उनको कवर करूंगा या आज नई लिस्टिंग को क्या कवर करना। तो मैंने तीनों के लिए एक सिंपल राय तो दे दिया, आपने आईपीओ में पैसा लगाया था तो क्या करना चाहिए। नॉर्दर्न आर्क की बात करें तो ये कंपनी थोड़ी सी ज्यादा बेटर दिखती है मेरे को, बेटर इसलिए दिखती है क्योंकि ये वेल मैनेज्ड कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होल्ड किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो। लेकिन 18% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, 18% के गेन्स हैं केवल, तो लिस्टिंग पे पैसा भी आपका ना के बराबर है, 40% ऊपर लिस्ट हुआ 18% रह गया, तो ऑलरेडी सारा टूट गया है आप कह सकते हो। स्टॉक 350 का हाई लगा के 312 है, तो मेरे को लगता है इसमें भी यहाँ पे कुछ खोने लायक है क्या, तो लिस्टिंग गेन्स जा सकते हैं और क्या जा सकता है। स्टॉक तो अच्छा ही है, छोटे से मतलब मार्केट कैप, छोटे से कंपनी है, ऑलरेडी सारे के सारे गेन्स चले गए हैं। सिंपल सटीक राय यही होगी दोस्तों कि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करो और कहीं ना कहीं एग्जिट करके बैठो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये मैं एक सिंपल राय देना चाहूँगा इन तीनों ही स्टॉक। बाकी वेस्टर्न कैरियर तो लाल निशान में फिसल चुका है, तो यहाँ पे तो आपके लिए बेटर वही होगा कि आप इनसे एग्जिट करो तो ज़्यादा बेटर है। वेस्टर्न कैरियर्स में तो मतलब नहीं बनता आपका होल्ड करने का, रुकने का, तो आप अगर एग्जिट करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।